सलूम्बर शहर के पुलिस लाइन ग्राउंड में सोमवार को पुलिस शहीद दिवस मनाया गया। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार यादव ने इस दौरान देश भर में शहीद हुए 216 जवानों के नामों का उल्लेख किया और शोक परेड की सलामी लेकर शहीद हुए जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने जवानों को पुष्पांजलि दी। कार्यक्रम में मौजूद सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों से पुलिस अधीक्षक मिले। इस मौके पर पौधारोपण भी किया गया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीना, थानाधिकारी मनीष खोईवाल, जलारा थाना अधिकारी धर्मेंद्र सिंह वाघेला, थानाधिकारी रमेश सहित अन्य थानाधिकारी मौजूद रहे। जैसा कि आपको ध्यान है 1959 के अंदर 21 अक्टूबर को लद्दाख के अंदर भारतीय पुलिस ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। उसी की याद में उन्हें शहीदों की श्रद्धांजलि देने के लिए हम 21 अक्टूबर का दिन हर साल शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है इसको। और इस साल जो है करीब 216 लोगों ने अपनी जान की आहुति दी लोगों की रक्षा करते हुए। इसी की याद में ये मनाया गया है। उन्हीं सबके नामों को पढ़ के सुनाया जाता है और लोगों को प्रेरणा लेने के लिए इससे जो है अग्रसर होते हैं लोग। आज के दिन हम सब उन वीर सपूतों और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने कर्तव्य पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। आज से 65 वर्ष पूर्व आज के ही दिन 1959 में लद्दाख के दुर्गम क्षेत्र में भारतीय पुलिस के जवानों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इन वीरों के बलिदान को याद करने व उनसे प्रेरणा ग्रहण करने के उद्देश्य से देश के हर पुलिस संगठन संस्थान में प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है। इन वीरों का बलिदान भारतीय पुलिस के कार्यों की उच्चतम परंपराओं का प्रतीक है तथा कर्तव्य निष्ठा का अनुपम अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करता है। समस्त भारत में 1/9/23 से 31/8/24 तक कुल 216 पुलिस अधिकारियों ने दुष्ट